unreal. But with that comes responsibilities. I mean, आपको एक हर एक यूथ, हर एक सिटीजन आपको एक यू नो इन्फ्लुएंसर के नज़र से देखता है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे फॉर द पॉजिटिव थॉट्स एंड द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया. आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस एंड राइट टाइम फॉर मी टू एंटर फॉर दिस ब्यूटी पेजेंट. एंड मैंने एनरोल किया एंड लकीली माई एफर्ट्स एंड हार्डवर्क हैज कम टू फ्रूट्स एंड आई हैव द क्राउन ऑन माई हेड टुडे. थर्स्टी सिस्टर्स इज थर्स्टी कंटेस्टेंट. एवरीवन इज वर्थी ऑफ दैट क्राउन. Everyone is worthy of that crown. So वो competition होता है, वो competition, healthy competition होता है, because everyone at the end, वो end game positive होता है, because everyone has a motive for the betterment of the world. You know, कोई और contestant आगे निकल सकता है for a good reason, but yes, efforts and hard works matter. अगर मैंने कुछ चालू किया है तो मैं खत्म करूँगी. अगर that takes me to a better place, I will finish it even if there are hardships, even if there are many obstacles in my life. Nervousness नहीं था, because मुझे मेरे mentor ने एक बात बोली थी कि you don't have to pretend to be someone else, but you have to be your true self, your authentic self. And Miss India is all about your authentication. वो तुम्हारा real self देखना चाहती है world पे. ये पर्टिकुलर बात मुझे अलीजिया मैम और अंजलि मैम ने बोली थी. वो दोनों मेरी मेंटर्स थी फॉर दिस पेजेंट रन. दे हैव हेल्प मी अ लॉट. द रीज़न आई एम टुडे हियर इज बिकॉज ऑफ देम एंड मेनी अदर्स. देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेंटर्स दैट आई हैव. देयर लेस ऑफ मेंटर्स, मोर ऑफ मदर्स टू मी एट दिस पॉइंट. नज़रें मेरी मॉम डैड पे थी, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था, वो सामने स्लाइट राइट पे बैठे थे. जो खुशी से वो उठे थे उनकी की यू नो उनकी बेटी मिस इंडिया बनी है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी है, तो वो जो उनके फेस पे जो हैप्पीनेस था, वो कंटेंट दिखा कि दे आर प्राउड ऑफ मी, दे आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम देयर डॉटर. माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी. तो हाँ, अगर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला वेयर इट विल हेल्प build my status, help build my name, my brand value, then yeah, sure thing, I would really love to try out for a movie. Badi hui hu unko dekh ke. So, maine notice kiya tha ki actresses like Deepika Padukone, Alia Bhatt, wo ek lead role banati thi movies mein. Movies mein, it was not so common that a female leads the movie and the movie revolves around her, her character. So, that the next step they have taken for, you know, ये अपने बॉलीवुड की वेस को ग्रो करने का इज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्ड मी. सो एक्ट्रेसेस लाइक दीज हैव चेंज्ड द स्केल्स ऑफ बॉलीवुड टुडे. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है व्हेन इट कम्स टू मिस वर्ल्ड प्रिपरेशन, इज दैट आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू द ऑडियंस, ट्रू टू इंडिया. मुझे इंडिया की ऑथेंटिसिटी लेके आनी है बाहर, इंडिया की ओरिजिन लेके आनी है. आई हैव टू मेक अ प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल नो for what India is and what India's authentication is, and my only goal is to make India proud.